काकटाः संभ्रमा ब्रह्मन्दरिम्पनेच्छरि विलोलपीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे। तो हाँ, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 5। आप ये पीछे वाले घड़ी को देख के टाइम जज मत करिएगा, क्योंकि वो घड़ी खराब हो चुकी है, हमें उसे भी सही करना है। तो अभी मैं सबसे पहले तो प्रसादी काटने जा रहा हूँ भगवान भोले का, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर की पूजा करके, फिर मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, फिर उसके बाद जो जो अपडेट होगा वो दिखाते रहेंगे किस तरीके से। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने तो मैंने फ्रूट्स कर लाए थे मम्मी के साथ जा कर के, नाशपाती और ये केले। तो अभी हम इन्हें काट लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरीके से क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, बनना पड़ेगा। जब आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको वैसे भी रहना पड़ेगा, आपको कैसे नहीं रहना पड़ेगा, वो तो मैं ज़बरदस्ती आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सावन का ये दूसरा सोमवार ही है। रियली बताऊँ, पहला सोमवार ही में तो मैंने सोचा था बनाऊँगा, लेकिन बन नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। रियली बताऊँ, कहीं ना रियली बताऊँ तो इतना ज़्यादा काम होता है ना कि समझ नहीं आता माइंड से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि आप एक साल बाद मतलब किसी त्यौहार को दोबारा सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती ना हो जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई गलती ना हो, इस कारण से सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो जो जो होगा, क्या क्या होगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अभी मैं फाइनली सुबह सुबह दूध लाने जा रहा हूँ, और सामने मुझे दो गौ माता के दर्शन हो गए। जय बाबा भोले की। आज का तो दिन काफ़ी अच्छा जाए लग रहा है, जाने वाला है। तो अभी मैं सबसे पहले दूध लेता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद घर पर जाके मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रसादी तो काट लिया, अब जाके घर पे जाके पूजा करके फिर मंदिर जाना है। चलिए मिलते हैं। सो फाइनली ये मैंने प्रसाद काट लिया, और ये रहा दूध का पैकेट जो कि मैं लेकर के आ चुका हूँ, और ये रहा मेरा जल, और ये कुछ अक्षत हैं और मिश्री है, और ये मेरी मम्मी जो कि सावन के सोमवारी का पूजा कर रही है। एक्चुअली हमने इतनी मॉर्निंग में बेलपत्र कहाँ से, ऊपर से हम लोगों के पास का संडे में टाइम नहीं था, और ऊपर से हमारे घर के आसपास कहीं पे भी ना बेलपत्र का पौधा नहीं, और है भी तो ना बहुत ऊँचा है तो तोड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए अभी हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर से हो सके तो हम परचेस करेंगे बेलपत्र। तो ना बेलपत्र हम वो ले करके आएंगे, तभी हम यहाँ पे भी चढ़ाएंगे और मंदिर में भी चढ़ा देंगे बाबा भोले को बेलपत्र। तभी मम्मी पूजा कर रही है, तो मम्मी पूजा करके हटेंगे तो मैं करूँगा पूजा। तो इसी के साथ मम्मी एक बार बोल दो जय भोले की। जय भोले की। चलिए, तो मैं आपको सारे अपडेट ऐसे ही देते रहूँगा। सो फाइनली अब मेरे पूजा की बारी आ गई। अब मैं आप सबसे पहले भगवान को भोग और तिलक लगाता हूँ, हमारे भगवान जी जो भी हैं, मतलब भोले बाबा और जितने भी भगवान जी हैं, तो सबको मैंने तिलक कर दिया। इसलिए इंडियन पूजा ना बहुत ही अच्छा होता है, सच्ची बात, उस मन को सुकून दे देता है। और अब ये अपने कलश को मैं तैयार कर रहा हूँ, जल के कलश को, जिस पे कि मैं सबसे पहले अब हमेशा जब जब मैं जाता हूँ भगवान भोले को जल चढ़ाने, तो उसके ऊपर ओम लिखता हूँ और 5 तिलक करता हूँ भगवान जी का। और अब मैं ये मिश्री का भोग लगा रहा हूँ, और अपने जल को भी दे रहा हूँ वरुण देव जो हैं उन्हें भी अर्पण कर रहा हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा अपने जो जल है इसमें मैं दूध मिलाऊँगा। अब ये मैं सोचना कि अब मैं दूध की वेस्टिंग करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी श्रद्धा होती है हर एक इंसान को भगवान के प्रति, वो किस तरीके से भक्ति करना चाहता है। तो प्लीज़ आप किसी की भक्ति को जज मत करिए, कम से कम इतना देखिए कि वो कम से कम भगवान को तो अच्छे से तो मतलब पूजा कर रहा है ना, इस कारण से। और अब इसके बाद मैंने एक ये हम लोगों ने बनारस से जल लाया था गंगा का, तो वो मैंने इसमें मिक्स किया। और अब ये मैं धूप जला रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं धूप और अगरबत्ती के बिना पूजा अधूरा होता है, इसीलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे धूप जला रहा हूँ। और आप जी मेरा होंठ देख रहे हैं बड़बड़ाते हुए, एक्चुअली मैं मंत्रों का और चालीसाओं का पाठ कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैं भगवान को धूप दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है भगवान को याद करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो पहले समय में लोग ऋषि मुनि हवन करते, तो हवन से जो धूप का वो भाप निकलता था, उनसे भगवान और हमारे ईश्वर और प्रकृति को ऊर्जा मिलती थी। तो इसके बिना तो पूजा अधूरा ही है। अब ये जल अर्पण करके मैं अपने घर की पूजा संपन्न करता हूँ।
बीच बीच में मम्मी बार बार बोलती थी ये करिए करिए कर, जबकि मुझे पता है अब मैं यहाँ पे अपने, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर पूजा के बाद वर मांगना चाहिए अपने वर। सो ये रहा हमारा पूजा का थाली और ये मेरा कलश, जिसे कि अब हम लोग चल जा रहे हैं मंदिर। ये रही मेरी मम्मी, आजकल बहुत चल रखा है। सो ये रहा मेरा गंगा जल का कलश और ये सामने मेरी मम्मी जा रही है, और अब हम लोग अपनी घर के गलियों से गुजरते हुए फाइनली अब हम लोग मंदिर तक पहुंच गए। आप लोग देख सकते हैं कि अभी मंदिर के अंदर ना बहुत कम भीड़ होगा, क्योंकि रियलिटी बताऊं तो अभी हम लोग 6 या 6:30 बजे जा रहे हैं, क्योंकि जो कि बहुत एक नॉर्मल टाइम है, लेकिन फिर भी अभी के समय बहुत कम ही लोग जाते हैं। और वही 8, 9, 10 बजे जाओ तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला क्राउड होता है। और आप ये जो सामने टेंट देख रहे हैं, तो आज एक्चुअली सोमवार के दिन बहुत विशाल भंडारा होने वाला है, क्योंकि कांवर आई है हरिद्वार से, तो उन लोगों के लिए भंडारा होगा, मतलब सभी लोगों के लिए भंडारा होगा आज के दिन, क्योंकि जिसमें होगा हलवा पूरी सब्जी, और ये देख सकते हो फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं भोले बाबा के प्रसादी के लिए, आप खरीद सकते हो यहाँ से। और मम्मी यहाँ पे बेलपत्र खरीद रही है, जो कि मैंने बोला था कि हम लोग परचेस करेंगे बेलपत्र, और बेलपत्र और कुछ फूल वगैरह। एक्चुअली यहाँ पे मम्मी से ये गलती हो गया कि वीडियो बनाने की जगह लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में बना दिया उन्होंने, कोई नहीं, फिर भी जैसा भी मम्मी ने बनाया जैसा भी अच्छा था। इसी के साथ अब मैं दिल से बोलता हूँ ओम नमः शिवाय। अभी मैं यहाँ पे भगवान भोले को जल चढ़ा के और बेलपत्र अर्पण करके मंदिर की घंटी बजा करके अपनी अर्जी लगा दी बाबा के भोले के पास। अब जा करके मैं अब मम्मी को दे देता हूँ कि मम्मी अब कम से कम मम्मी अपना पूजा करे अच्छे से। और आप देख सकते हैं हमारा पूजा हो गया है संपूर्ण। ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर का लुक। अब हम यहाँ से ये देखिए सामने नंदी भगवान बैठे हैं, इनसे मैंने मन्नत भी मांगी कान में बोल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं मांगना चाहिए, क्योंकि हर एक पूजा के बाद मन्नत मांगी जाती है, क्योंकि उसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है अगर आप कुछ नहीं मांगोगे तो। मैंने मन्नत मांगी। सो हम लोग घर आ चुके हैं, और मम्मी ने जो परचेज़ किया था बेलपत्र, अब वो हम अपने घर में भगवान भोले को चढ़ाते हैं। और ये मम्मी ने मुझे भी दिया बेलपत्र, मैं भगवान भोले को बेलपत्र चढ़ा करके अपना पूजा संपूर्ण कर रहा हूँ, और फूल। इसी के साथ हमारा देखा जाए तो भगवान भोले का पूजा संपूर्ण। तो फाइनली हम लोग अब घर आ चुके हैं। रियलिटी बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा थक गया मैं, सच्ची बताऊँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मंदिर में क्राउड होती है कि रियली बताओ आपको जल चढ़ाने में कम से कम आधा पौन घंटा 15 मिनट से तो ऊपर लग ही जाना है। और रियली बताओ ऊपर से आज हम लोग कम से कम जब तक सूरज मम्मी सूरज ढलने से पहले व्रत तो करते हैं तोड़ते या फिर बाद सूरज ढलने से पहले तोड़ते या बाद सूरज हाँ तो सूरज डूबने से ना पहले हमें कम से कम नींबू पानी या कोई सा भी कुछ भी मतलब खाना होता है, जिसे हम कहते हैं फैलाड़ी, क्योंकि ना ये जानते हैं कि सोमवारी व्रत ना निर्जला नहीं होता है कभी भी, सोमवारी का व्रत हमेशा होता भी है तो मतलब आपको मतलब ये फैलाड़ी होता है, मतलब उसमें लास्ट में आपको खा लेना होता है सूरज डूबने से पहले। इतना मुझे नहीं पता था, इन्होंने बताया मेरी माता श्री ने। बाल आ गए फाइनली मेरे भी अब सर पे, कुछ दिनों में मेरे घने घने बाल आ जाएंगे। चलिए बताओ अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, गर्मी के मारे मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों मेरा थोबराज भोपला भोपला सा लग रहा है। अभी मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, क्योंकि पूरे दिन अभी जल पानी और कुछ नहीं खाना है, फिर उसके बाद 4 बजे खाना भी है तो थोड़ा सा मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई, मतलब थोड़ा सा वो खाना है, क्या कहते हैं फ्रूट्स खाएंगे थोड़े बहुत, और वो नींबू पानी हम पियेंगे, यानी जिसे हम कहते हैं शरबत, या जिसे कहते हैं मधुर जल, हाँ मधुर जल पियेंगे, ये सब होगा। चलिए अब जो जो होगा क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे सब बताऊंगा, सब देखेंगे, ठीक है आज फुल डे इन्जॉयमेंट, ठीक है। सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार ही है, ठीक है, क्योंकि इस बार तो वैसे भी 59 दिन का सावन पड़ा है, लेकिन अच्छा बीच में कुछ चार मम्मी बता रही है बीच में जो बाकी के जो 4 सोमवार वो अच्छे नहीं है, फिर लास्ट वाले 2 अच्छे हैं, फिर मैं वो वाले 2 करना है मेरे सोमवार का पूजा, इसीलिए देखते हैं जो होगा मिल के बता दे रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करो, पहले बात तो आप सब्सक्राइब नहीं करते, हम आपको मेहनत करके हम अपना दिनचर्या दिखा रहे हैं आपको, अब ऐसे करोगे, चलो करो सब्सक्राइब, चलो अभी मैं आराम करता हूँ पहले तो। सो फाइनली एक मिनट मेरा थोबड़ा नहीं दिख रहा, मैं अभी जलाऊँ गॉड।
सो फाइनली अब जाकर के ऑफिस की छुट्टी हुई है और मैं अब जाकर के फुल शांति समय में सोऊंगा और फिर कल सुबह अपना व्रत खोलूंगा। एक्चुअली मैं उसके बाद और कुछ इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि फिर मेरे उसके बाद आँख लग गई घर के मंदिर से आ जाने के बाद, और फिर उसके बाद मेरी आँख सीधा 3 बजे खुली मेरे जॉब जाने के टाइम पे, तो फिर मैं सीधा जॉब ही आ गया। फिर जॉब के बाद फिर काम वाम रहते हैं ऑफिस में, फिर मैंने व्लॉगिंग कुछ नहीं किए। इसके बाद मैं सीधा इसीलिए जा रहा हूँ यहाँ पे अब सोने, मेरी बहुत नींद आ रही है। नहीं आप लोग को दिखा दूँ ये सब मेरा ऑफिस का लुक, आज का मैं आपको दिखाऊँगा ऑफिस में मेरा ब्लैक पैंट महाकाल वाली टी शर्ट कुर्ता है। फ्री गले मैंने थोड़ा एक लॉकेट लिया था, मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी यूनिक था तो मैंने ले लिया एक पहनने के लिए। और ये हाँ, तो मैं वैसे हाथ में कभी कुछ नहीं पहनता, बस ये अंगूठी रहती है जो दोस्त के द्वारा गिफ्ट की हुई, और ये कुछ रुद्राक्ष हैं मोतियाँ हैं। मैं सोचा चलो आज डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे इसीलिए। अब मैं जा रहा हूँ, आज का ब्लॉग यहीं तक, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रौनक राज RR एंड राधे राधे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये सावन के सोमवारी का ब्लॉग।